अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टोक्यो मोटर जेट मगज में हम इस वक्त मौजूद है और इनके पास तीन स्पेशल गाड़ी है जो एवरेज के नाम पे कमाल है और इसके अलावा फीचर भी कमाल है इसमें। तो प्रॉपर जो है ना तीनों गाड़ियों को विज़िट कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करना और लास्ट में आपको प्राइस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है एन वैगन, होंडा एंड वैगन 2017 मॉडल है, ठीक हो गया। बाकी आपको इसके डिटेल देते हैं। लाइट की बात करें तो आपको एलईडी में आपको इसके हेडलैम्प मिल जाएंगे, बैक पे आपको वाइपर मिल जाएगा, ऊपर आपको हाई मोनस्टॉम्प लैम्प, ठीक है। इसके लिए आपको बैक में स्क्रीन में डिफोकर मिल जाएगा। बाकी अगर इसके ट्रंक स्पेस की बात करें तो इतने स्पेस मौजूद नहीं होते, लेकिन लेग स्पेस इसमें कमाल के। अलॉय व्हील्स की तरफ आते हैं तो सिंपल स्टील व्हील, इसमें सात व्हील कप के और इसमें अलॉय व्हील दिए गए हैं, ठीक है। बैक डोर पे की तरफ आते हैं तो ये कुछ इसका बैक से डोर और ये कुछ इसका बैक से इंटीरियर, जो कि अच्छे स्पेस मौजूद है। फैब्रिक की सीट दो अदद आपको हेड रेस्ट मिल जाएंगे। बाकी बैक पे आपको जो है ना एक अदद बोतल होल्डर प्लस बैक स्पीकर और डुअल टोन में इसके इंटीरियर है, ठीक हो गया। फ्रंट की तरफ आते हैं तो फ्रंट में आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिल जाएगा, साथ साथ में आपको जो है ना ये कुछ फ्रंट से इंटीरियर। अगर फीचर्स की बात करें तो आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस हेडलाइट का ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, साथ साथ में आपको कौन का सिस्टम दिया गया। बाकी सिंपल स्टेयरिंग व्हील है, ठीक हो गया। और इंटीरियर इसके कमाल के, ड्यूल टोन में इस इंटीरियर प्लस फैब्रिक की सीट्स और स्पेस तो आला है। डोर की तरफ आते हैं तो आपको जो है ना ड्राइवर की विंडो ऑटो, बाकी आपको पावर विंडो मिल जाएगी। इसके साथ आप डोर लॉक का बटन और यहाँ से आप अपने मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो कादर आपको फाइल होल्डर प्लस बोतल होल्डर मिल जाएगा। चलो बंद करते हैं। ऑरियम की तरफ आते हैं तो आपको बॉडी कलर में ऑरियम मिल जाएगा और ये कुछ इसका फ्रंट से लुक, जो कि सिंपल हैलोजन बल्ब में इसको जो है ना लाइट दिए गए हैं। प्राइस की बात करें तो 27 लाख डिमांड की जा रही है। इसके बाद आते हैं दो अदद मिरर में, ठीक है। इसके प्रॉपर डिटेल देंगे। 2019 मॉडल है। बैक से अगर इसकी लुक की बात करें तो इसका आप बैक से लुक देख सकते हैं, सिंपल इसमें लाइट दिए गए हैं, सिंपल आपको इसमें भी स्टील व्हील दिए गए हैं और ये कुछ इसका बैक से लुक। दरमियान में आपको जो है ना सिंपल सुजाकी लोगो, साथ में पिक्सिस की बेजिंग मिल जाएगी। अलोजन बल्ब पे इसको लाइट दिए गए हैं। इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो ये कुछ इसका इंटीरियर टोटल ब्लैक में इसके इंटीरियर। सीट्स की बात करें तो और स्पेस की बात करें तो स्पेस तो अच्छी खासी इसमें मौजूद है, लेकिन आप इसमें एक ही है कि आप ट्रंक स्पेस इसमें मौजूद नहीं। सीट की बात करें तो फैब्रिक की सीट है भाई, कमाल तो होने वाली है। फ्रंट की तरफ आते हैं तो फ्रंट के लुक आप देख सकते हैं। इंटीरियर सिर्फ ब्लैक में है। आपको जो है ना ड्राइवर की विंडो ऑटो, बाकी पावर विंडो मिल जाएगी, कहता था। तो फाइल होल्डर फीचर्स की बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ से ब्राइट अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनालॉग इसका आपको क्लाइमेट कंट्रोल प्लस आपको दो अदद कप होल्डर, दो अदद आपको इसमें SRS एयरबैग मिल जाएंगे। सीट्स की बात करें तो कमाल की सीट्स है भाई इसमें, ठीक है। 2019 मॉडल है। इसके अलावा आपको डोर पे आपको एयर प्लस आपको इंस्टॉल मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे एंटीना। इसके मिरर है, उसकी क्वालिटी तो भाई मेरान जैसी ही है, ठीक हो गया। बाकी तो कमाल की गाड़ी है। ऊपर जो है इसका फ्रंट से लुक, ठीक है। सिंपल हैलोजन बल्ब दिए गए हैं। 2019 मॉडल है। प्राइस की बात करें तो 32 लाख डिमांड की जा रही है टोक्यो मोटर पर। और यह भी एक आदत मेरा जो कि पोलियो को वेरिएंट है कि क्या आई थिंक। इसके बात करें तो बैक पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, सिंपल वही डिज़ाइन है, ठीक है। हैलोजन बल्ब आपको बैक लैंप पे मिल जाएगा, बैक स्क्रीन पे आपको डिफोगर मिल जाएगा और आपको बैक स्क्रीन जो है ना आधी टिंटेंट मिलेगी। डोर ओपन करते हैं और कुछ इसका डोर स्पेस तो अच्छी खासी मौजूद है। आपको इसके में डोर में आपको एक कप होल्डर मिल जाएगा, बैक पे आपको स्पीकर आप अपने मर्जी से लगवा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ऊपर आपको एयर स्पेस इंस्टॉल मिल जाएंगे। और फ्रंट डोर की तरफ आते हैं तो ये कुछ इसका फ्रंट डोर में आपको जो है ना
फाइल होल्डर मिल जाएगा और ड्राइवर को विंडो ऑटो, बाकी आपको पावर मिल जाएगा, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीरियर, ये कुछ इसका इंटीरियर जो कि दो अदद आपको कप फ्रंट पे आपको कप होल्डर मिल जाएंगे, SRS दो आपको ईयर बैग मिल जाएंगे। अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो ये है आपका जो है ना, यहाँ से पार्किंग सेंसर है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, रिडार सिस्टम है और यहाँ से आप अपने लाइट जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं ब्राइटनेस की। और ये कुछ इसका जो है ना मीटर और सिंपल एनालॉग डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल इसमें दिया गया है। और इसके अलावा आपको जो है ना यहाँ पे भी स्पेस मौजूद है कि आप छोटा मोटा जो चीज़ें रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं, इसके अलावा मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। और एम की तरफ आए तो सिंपल सा मिराज जैसे, लेकिन मिराज इसकी क्वालिटी अच्छी है। अलॉय व्हील्स की तरफ आए तो इसमें आपको 14 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। प्रोफाइल की बात करें 155/65 R14। अगर टायर की कंडीशन की बात करें तो टायर की कंडीशन अच्छी है। और ये कुछ इसका फ्रंट से लुक, सिंपल हलोजन बल्ब इसमें दिया गया है और फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। तो व्यूवर्स ये थे कुछ 3 अदद गाड़ियाँ जो कि हैचबैक है 60 cc में। बाकी व्यूवर्स आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टोक्यो मोटर जेट मर्कज़ में ये गाड़ी अवेलेबल है। अगर किसी ने बाय करनी तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। बाकी व्यूअर्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।